हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इस वीक में टॉप 5 अपडेट के बारे में, कौन कौन से इस वीक में टॉप 5 मजेदार अपडेट आए हैं मार्वल से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड। आप सभी जानते हो कि इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तरीके से बनाया गया है और सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करी गई है। और इस मूवी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसमें एंड क्रेडिट जो सीन्स होते हैं जिसमें कि नाम आते हैं बहुत सारे एंडिंग में, तो उसमें चलेगा रिहाना का सॉन्ग एंडिंग में। जैसा कि आप सब जानते हो कि रिहाना बहुत ही कमाल की पॉप स्टार हैं और उनके दो सॉन्ग कन्फर्म हो चुके हैं जो कि आपको एंडिंग में सुनने को मिलेंगे। देन दूसरा अपडेट है बहुत ही कमाल का, मार्वल की और डिज्नी प्लस की जितनी भी अब तक सीरीज आई हैं हमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर का नाम सुनने को मिला है मेफिस्टो का, जो कि एमसीयू का सबसे खतरनाक और ईविल कैरेक्टर है। और वही कैरेक्टर अब कंफर्म हो चुका है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है और उसका एक्टर कंफर्म हो चुका है कौन मेफिस्टो का कैरेक्टर प्ले करने वाला है, जो कि है साचा बैरन, और ये कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट आते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि थंडरबोल्ट से रिलेटेड। अब थंडरबोल्ट से रिलेटेड बस एक ही अपडेट आया था कि आपको इसमें एंटी हीरोज की टीम देखने को मिलेगी, बट अब आपको क्लियर कर देता हूं कि इस मूवी में आपको एक टीम देखने को नहीं मिलेगी, आपको दो टीम देखने को मिलेगी जो कि एक अपने अलग अलग मुद्दे पर लड़ रहे होंगे, जिसमें कि वैरन ज़िमो तो कन्फर्म हो चुका है, उसी के साथ थंडरबोल्ट्स में एक कैरेक्टर और कन्फर्म हो चुका है जो कि है रेड हल्क। और रेड हल्क का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, तो ये है आपका नेक्स्ट अपडेट जो कि है कास्टिंग को लेकर। तो रेड हल्क का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं हैरिसन फोर्ड, जो कि आपने इनको देखा होगा इंडियाना जॉन्स में, स्टार वॉर्स मूवीज़ में, और अब आपको वो देखने को मिलेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रेड हल्क का कैरेक्टर प्ले करते हुए। तो यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेड हल्क को देखने के लिए एमसीयू में, और मैं देखना चाहता हूँ कि जब हल्क और रेड हल्क आपस में लड़ेंगे क्या सीन होगा। चलिए बात करते हैं फिफ्थ अपडेट के बारे में, जो कि डेडेविल से रिलेटेड। तो डेडेविल की अपनी खुद की एक पर्सनल सीरीज तो आ रही है डेडेविल बोर्न अगेन, और फाइनली कंफर्म हो चुका है डेडेविल का एक और कैमियो जो कि आने वाली सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एको में, और इस सीरीज में डेडेविल आपको सिर्फ दो एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये थे वो टॉप 5 अपडेट इस वीक के, और उसी के साथ रिलीज होने वाली है कल के दिन ब्लैक एडम। तो आप ब्लैक एडम का कौन सा शो देखने जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।